नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो। चलिए बढ़ते हैं टीकमगढ़ की कुछ अहम खबरों की ओर। टीकमगढ़ जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त रुख अपनाया गया। इसके चलते शहर के गांधी चौराहे, राजमहल चौराहे, लोकमान चौराहा, मिश्रा चौराहा, पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, अस्पताल चौराहा, कलेक्ट्रेट, इन सभी स्थानों पर टीकमगढ़ SDOP कृष्णपाल सिंह सहित कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार, देहा थाना प्रभारी नासिर फारूकी, यातायात प्रभारी पूर्णिमा मिश्रा एवं पुलिस बल के साथ विभिन्न चौराहों पर भ्रमण किया गया। बेवजह घूमने वालों पर चालानी कार्यवाही की गई तथा उन्हें डंडे की भाषा से समझाया गया। आज पुलिस बल द्वारा बेवजह घूमने वालों पर जमकर लाठियों को बरसाया गया। इसके चलते शहर में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त रहा। पुलिस प्रशासन का यह सख्त रवैया देख लोगों ने अपने आप को घरों के अंदर बंद करना शुरू कर दिया। पुलिस बल द्वारा विभिन्न चौराहों पर लोगों से पूछताछ की गई और वजह वाजिब नहीं बताने पाने पर बल का प्रयोग किया गया। बेवजह घूमने वालों पर आज सख्त कार्यवाही की गई और साथ ही समझाइश दी गई है। इस बीमारी से सबको एक साथ मिलकर लड़ना है, इसलिए जरूरी होने पर ही घर से निकले। हम अपने परिवार छोड़कर आपकी सुरक्षा में तैनात हैं। हमारी सुरक्षा आपके हाथ है। आप सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त रुख अपनाया गया। किसी को घर वापस लौट आया गया तो किसी की मजबूरी समझकर उसे जाने दिया गया। लोगों को समझाइश दी गई कि वह बिना कारण घर से ना निकले। कोरोना में दूरी ही बचाव करती है। शासन द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई है उसका पालन करें। टीकमगढ़ से संवाददाता विकास राय की रिपोर्ट। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। लोगों को रोका टोका जा रहा है, समझाया भी जा रहा है। विगत पिछले दिनों से भी कार्रवाई की जा रही थी, आज थोड़ी सख्त कार्रवाई हमने शुरू कर दी है और आशा है कि लोग भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। जनता से क्या आप लोग सहयोग की अपील करते हैं? जनता से पूरे सहयोग की अपील है। जनता के लिए जो समय निर्धारित है, निर्धारित समय पर ही घर से बाहर आए और जरूरी काम हो तभी आए, अन्यथा किसी अनावश्यक काम के लिए या ऐसा काम जो कि बाद में टाला जा सकता है उसके लिए बाहर ना निकलें। और बाहर निकलते समय भी पूरी सावधानी रखें, पुलिस का कोऑपरेट करें, प्रशासन का कोऑपरेट करें और लॉकडाउन को सफल बनाएं, कोरोना कर्फ्यू को सफल बनाएं। अक्सर देखा जा रहा है जो सरकार की गाइडलाइन है, जैसे दूध वालों की बात की जाए, अन्य जो जरूरतमंद चीजें, उनका एक समय तय किया गया है, किंतु उसके बाद भी लोग निकल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को समझाया जा रहा है और लोग भी पालन कर रहे हैं। शीघ्र ही जो एक दो दिन में अच्छे रिजल्ट और हमें अच्छे से प्राप्त होंगे और लोग भी मान रहे हैं, और जो नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। चालानी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं लोगों टोकों की। सर, अभी पिछले वर्ष जो लॉकडाउन लगा था और इस वर्ष जो लॉकडाउन लगा है, देखा ये जा रहा है कि आपके पुलिस जवान भी कहीं ना कहीं जमीन पर तैनात हैं और उनके साथ भी उन्हें भी कहीं ना कहीं कोरोना का डर है। पिछली बार ये व्यवस्था पुलिस विभाग ने की थी कि जो आपके चेक पॉइंट बनाए गए हैं वहाँ पे टेंट की व्यवस्था की थी और पानी की व्यवस्था की थी। इस बार ये व्यवस्था नहीं की गई है जिससे उनको परेशानी का सौर झेलना पड़ा। कहीं कहीं जगह ऐसी समस्या हो सकती है, लेकिन पुलिस की तरफ से जितने हर संभव प्रयास हो सकते हैं, पानी की है, हाथ धोने का व्यवस्था है, टेंट की व्यवस्था है, ये सब हम लोग कर रहे हैं और पुलिस के जवान हर प्रकार की विषम परिस्थितियों में काम करने के लिए सक्षम है। जितने हमारे संसाधन हैं उसके अनुपात में हम अनुकूलतम उपयोग कर रहे हैं उनका, और सभी लोग मोर्चे पर डटे हुए हैं। लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, अब भी संभलिए और कोविड के नियमों का पालन करें। मास्क पहने, घर से तभी निकले जब कोई आवश्यक कार्य हो, यदि निकले भी तो मास्क पहन। आप सभी लोग घर बैठे देखते रहिए बुंदेलखंड की तमाम खबरें। कोविड की लगातार अपडेट्स और सरकार की सभी गतिविधियों पर होगी बुंदेलखंड न्यूज 24 की नजर, और इतने कम समय में बुंदेलखंड न्यूज 24 को जो आपने प्यार दिया है और उसे नंबर वन बनाया है, उन सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद। देखते रहिए बुंदेलखंड न्यूज 24, खबर हर पल की जो तहता।